मध्य प्रदेश के इंदौर में कांग्रेस की ओर से किसान न्याय यात्रा निकाली जा रही है और वहीं इस यात्रा को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी से खास बातचीत की भारत एक्सप्रेस संवाददाता जय व्यास ने। कांग्रेस का आज मध्य प्रदेश भर में जंगी प्रदर्शन है। किसान न्याय यात्रा के नाम पर ट्रैक्टर रैली निकालने की, मेरे साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी। सर, आपने पहले से अनुमति ली थी, फिर क्या हो रहा है? ये तानाशाही है, ये किसान के बेटों के साथ अन्याय है। वादा किया 6,000 के दाम सोयाबीन की बात हुई थी, डबल इनकम की बात हुई थी लाभ का धंधा बनाने की। देश के कृषि मंत्री बने हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री। अभी आपने रिसेंट चुनाव में 2700 रुपये गेहूँ के दाम का कहा, आपने जमीन भूमि अधिग्रहण अधिनियम वॉलेस कर दिया, 3100-3200 धान का बोला था, कब निभाओगे ये वादे पूरे करने चाहिए। ये तानाशाही से कुछ नहीं होगा, ये यहाँ रोक भी देंगे तो गांव-गांव में आंदोलन होंगे। आपको रोका जा रहा है, प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं डर रही है आपके आंदोलन से? बात डरने की ही नहीं, सरकार हमारी है, हम विपक्ष में हैं, उनको सत्ता मिली है, हमारा दायित्व है उनको याद दिलाएं कि हमारे क्या वादे थे आपके, आपको किस बात के वोट मिले। हम अपना दायित्व निभा रहे हैं, डरना नहीं चाहिए उनको, काम करना चाहिए।